देखिएगा
तो इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम इथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब बड़ी तेजी से उसमें से झाग निकलते हैं जब रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सी एच थ्री सी ओ एच रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट करके देख लीजिए, शायद बैलेंसिंग में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। इधर एन ए का एक एटम, इधर दो है, इधर टू लगा दीजिए और अब आप ये देखेंगे कि इधर और बस हो गया। चलिए जी, अगला देखेंगे रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सी एच थ्री सी ओ एच CO3 रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही बनेगा CH3COOH + CO2 + H2O। सर ये बनेगा CH3COOH, इसको बनेगा सोडियम इथेनॉएट। तो दोनों ही केसेस में सोडियम इथेनॉएट बनेगा, एक में डबल क्वांटिटी बन रही है, एक में नॉर्मल सिंगल क्वांटिटी। उसके बाद देखिएगा रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो CH3COOH का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है कि बेस है, सी एच थ्री सी ओ एच एक एसिड है। एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है ना। तो यहाँ आ जाएगा रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले जैसा ही है, क्योंकि हमने इथेनॉल जब पढ़ा था तो इथेनॉल में हमने ये देखा था कि इथेनॉल का रिएक्शन अगर इथेनॉइक एसिड के साथ करा दिया जाता है तो हमारे पास एस्टर बनता है। अब इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करो तो एक ही बात है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो। भाई जब इथेनॉल की प्रॉपर्टीज देख रहे थे तो इथेनॉल का रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ करा है, अब इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ, बस वही सी एच थ्री सी ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच रिएक्शन विद इथेनॉल प्लस सी एच थ्री सी ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच। ये हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव,
इथाइल इथेनोएट बोलते हैं इसको, एस्टर है ये, इथाइल इथेनोएट प्लस एच टू ओ, ये भी यही कर रहा होगा, ये भी यही तुमसे अच्छा अरेंज कर रहे हो, अच्छा काफ़ी मिसमैनेज लग रही है, ऐसा ही कर रहा हूँ, बहुत समझदार हो। फिर मैंने बाहर भी देखा, बाहर भी ना जो डोरमेट पड़ा हुआ था उसको भी तुम अरेंज करके आ रहे थे, पैर से उड़ा रहे इस तरीके से। इथाइल इथेनोएट, तो ये फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स जो है, ये एस्टर्स किस चीज़ में काम आते हैं, परफ्यूम वगैरह में। तो एस्टर्स आर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड्स हैविंग स्वीट स्मेल और प्लेजेंट स्मेल, दे आर ऑल्सो सेड टू हैव अ फ्रूटी स्मेल। अगर देखिएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स का क्या मतलब है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एस्टर्स इज दैट दे कैन बी हाइड्रोलाइज बैक टू द एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम विच दे आर ओरिजिनली फॉर्म। तो इनका हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि वापस से जिस एसिड और जिस एल्कोहल से बने हैं, वापस से वही एसिड और वही एल्कोहल ऑपरेट करा जा सकता है। CH3CO2H5 हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम आता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्युलोज एसिटेट। थर्ड है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन, जिसको हम प्रोपेनॉल भी बोलते हैं, एंड एस्टर्स यूज्ड इन परफ्यूम्स। तो ये एसीटोन और एस्टर्स बनाने के काम आता है, जो परफ्यूम्स में यूज होते हैं। फोर्थ है, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मा इंडस्ट्री में काम आता है, डाइज, हेयर डाई वगैरह ये सब करने में, और प्लास्टिक्स ये बनाने में काम आता है। फिर अगला है, इट इज़ यूज्ड टू कोएगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स। कोएगुलेट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। तो लेटेक्स एक ट्री है और लेटेक्स ट्री में से रबर बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आपके दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ठीक। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस जो हमने अभी देखा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पर किस तरीके का बनता है। तो पहला क्वेश्चन देखें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर। दिस कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल बी विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। बस इतना ही हिंट बहुत था हमारे लिए। हम एकदम से जैसे ही वो कहेंगे कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर, तो इथेनॉल है, ठीक है। फिर वो आएगा कि जब उसको हीट करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो ब्लू को रेड में कौन करता है, एसिड, एसिड है तो कौन सा एसिड, थर्मिक एसिड। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस टू फॉर्म कंपाउंड बी, नेम द कंपाउंड बी। आपको ये करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइन एंड बियर इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। सो कंपाउंड ए इज इथेनॉल, and ethanol on oxidation with alkaline potassium permanganate produces an acid known as ethanoic acid. This ethanoic acid turns blue litmus to red. ये जो ethanoic acid है यही blue litmus को red में convert करता है। इसका reaction जो है वो हमारे पास chemical properties में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोबारा बोलो, 2.2 into 10 की power 9।
अच्छा जी, अगला देखिएगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैपिटल ए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O2। ठीक है, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है एंड इज एसिडिक इन नेचर, एंड इज एसिडिक इन नेचर, नेचर जो है वो उसका एसिडिक है। ऑन हीटिंग विद इथेनॉल एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 वेपर्स विल प्रेजेंट एंड फ्रूटी स्मेल आर गिवन आउट। अरे बस इतने से समझ में आ गया कि ये तो जो है एस्टर बन रहा है, प्रेजेंट स्मेल फ्रूटी स्मेल, तो एस्टर बन रहा है। व्हाट इज द कंपाउंड ए एंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। तो क्या होता है कि कई बार जैसे CH3COOH ना बोल दिया तो वो उसको ये बोल देंगे C2H4O2। ये उन्होंने कैसे करा, ये ऐसे कर देते हैं, जैसे ये CH3COOH है हमने कहा कि भाई ये कार्बन अलग लिखा हुआ है, इसको साथ साथ ले लो सी टू, फिर हमने कहा हाइड्रोजन तीन है और एक ही है तो सी टू एच फोर, और ऑक्सीजन कितने हैं दो, तो सी टू एच फोर ओ टू भी बोल देते हैं पहला अच्छा सी एस टी सी ओ ओ एच। ठीक है, तो जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि भाई लास्ट में ओ टू जुड़ा हुआ है तो समझ जाना ये ओ ओ को अलग करना है और एक हाइड्रोजन अलग करना है, एक कार्बन अलग करना है, तो वो सी ओ ओ एच बन जाएगा आपके पास। सही है, समझिए। और इन्होंने आगे बोल ही दिया कि ये जो है इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो इसका मतलब जब एसिडिक है नेचर में तो हमको CH3COOH ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज द कंपाउंड ए एंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो कंपाउंड ए तो समझ में आ गया CH3COOH है और केमिकल रिएक्शन जो है वो ये है CH3COOH + C2H5OH CH3COO C2H5OH ये बन गया। सही है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर, द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन एस्टर इज C3H7COOC2H5। राइट द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द एल्कोहल एंड द एसिड फ्रॉम विच इट माइट बी प्रिपेयर्ड। तो एल्कोहल और एसिड बताइए किससे ये बना होगा। तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है C3H7COOC2H5। और इसके आगे OH लगा दो भाई, तभी तो इसका एक है जो इसका OH निकल कर H2O बना देते हैं। ठीक है, जब दोनों जुड़ते हैं वो कह रहे हैं कि कौन से एसिड से और कौन से अल्कोहल से मिलकर ये वाला एस्टर बन रहा है। क्या हो गया मोबाइल फोन में ज़रूरी मैसेज आया होगा स्कूल से, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड। तो एक ही मैसेज आ रहा था तुम्हारी तरह, तुम्हारा भी तो ऐसे ही हफ्ते में एक छुट्टी तो बनती है। बहाना सही था कि नींद पूरी कर ली थी ना आपने, ये सही। चलो जी देखिए, तो C3H7COOH इसको क्या बोलेंगे, ए ये है कार्बन और ई है, तो ब्यूटेनोइक एसिड चार हो गए ना, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, और इथेनॉल है C2H5OH। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इथेनॉइक एसिड की और इथेनॉल की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, अच्छा बस एक मिनट रुकिए, सोप से डिटर्जेंट है सिलेबस में इसका, अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है, चलो दो मिनट रुको मैं आता हूँ।
सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, साबुन और पाउडर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये सोप जो है ना घर में बनाया जा सकता है, जैसे
एनी सब्सटेंस विच हैज क्लींजिंग एक्शन इन वाटर इज कॉल्ड अ डिटर्जेंट. जिसको भी जिसकी भी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है कि भाई सफाई कर दे किसी भी चीज़ पर लगा दें उसको, तो उसको कहते हैं डिटर्जेंट. अब सोप पर आते हैं. सोप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो कार्बोक्सिलिक एसिड को ना फैटी एसिड भी बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड भी बोलते हैं. विच हैज़ क्लींजिंग प्रॉपर्टीज इन इन वाटर. जिसकी वाटर में क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है कि सोप को अगर पानी के साथ मिक्स कर दें तो जिस भी चीज़ पर उसको लगाते हैं उसको थोड़ा वो साफ कर देता है. एग्जाम्पल सोडियम, अरे शांति, एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है सोडियम स्टीयरेट. सोडियम स्टीयरेट ये ना दो फार्मूले याद रख लेना. अगर सोप सोप से डिटर्जेंट का क्वेश्चन पूछते हैं ना तो इनमें से कोई भी एक मेंशन कर देना. सोडियम स्टीयरेट मतलब इसको स्टीयरिक एसिड बोलते हैं, तो सोडियम स्टीयरेट बन गया. जैसे इथेनोइक एसिड था तो उसका क्या बन गया था, सोडियम इथेनोइट. जैसे इसका सोडियम स्टीयरेट बना कैसे, जैसे सी सेवनटीन है भाई, हमने तो टेन तक ही देखा है, टेन को टेक बोल देते हैं, तो सी सेवनटीन है. तो अगर इसका मैं इथेन बनाऊँ तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के एटम्स, अरे इधर देख कर बताओ क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का क्या डबल से दो ज़्यादा, तो सेवनटीन का डबल 34, 34 से क्या ज़्यादा 36, और उससे एक कम कर दोगे तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा. चलो एक ज़्यादा बोल दिया, तो उसके डबल से एक ज़्यादा, तो 34 से एक ज़्यादा 35 हो गया, C17H35 COO और Na. ठीक है, तो ये तो हो गया सोडियम स्टीयरेट. एक दूसरा एग्जांपल भी है. सोडियम स्टीयरेट सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड स्टीयरिक एसिड. ऐसे ही है सोडियम पेल्मिटेट, तो सोडियम पेल्मिटेट C15H31COONA. इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कॉल्ड पेल्मिटिक एसिड. ये क्या है C15, इसका डबल से एक ज़्यादा 31, तो एक तो सोडियम स्टीयरेट हो गया और एक हो गया सोडियम पेल्मिटेट. तो ये काफ़ी फेमस जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है सोप होते हैं. ठीक है, अच्छा हम कौन से सोप की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वो कपड़े धोने वाले सोप की. ठीक है, नहाने वाला नहीं. ठीक है, क्या टाइट, हाँ टाइट, वो सफ़ेदी शर्ट के आगे से गुजर जाता है सर, शर्ट सफ़ेद. तो देखिए जी, बीइंग बेसिक अ सोप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. तो क्योंकि बेसिक होता है डिटर्जेंट, इलेक्ट्रिक डिटर्जेंट पाउडर होता है ना, तो वो जो है वो सोप है हमारा. तो मैं सोप और डिटर्जेंट दोनों में डिफरेंस भी बताऊँगा. जब जाओगे ना मुझे एक बार फोन कर देना. अरे याद तो रहेगा, कितनी देर में निकल रहे हो? ठीक है, एक मिनट निकल जाएगा. बताए एक मिनट. अरे अथर्व बुला के लो, अपन जितना फास्ट होगी. ठीक है सर, इसको क्रिकेट खेलने की जल्दी है, मैच खेलने जाना मुझे. तो बीइंग बेसिक अ सोप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. Soap is made by heating. अरे शायद वो भी बिजवा रहा है. तुम तो इग्नोर मार कर चले गए. हाँ. तुम तो मुझे इग्नोर मार कर चले गए. शायद वो भी बिजवा रहा है. कहाँ पे शायद वो? दुर्गापुरी चौक. दुर्गापुरी चौक. मुझे फोन कर देना अभी फटाफट. इसको बंद तो कर दो भाई. Soap is made by heating animal fat or vegetable oil with concentrated sodium hydroxide solution. इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा सॉल्यूशन.
कोई भी फैट या ऑयल ले लिया आपने, लिया और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया, सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्या प्लास्टिक खाने से थोड़ी कुछ होगा? सोप बनाने के प्रोसेस को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसके अंदर सरसों का तेल जो घर में यूज होता है वो भी डाल सकते हैं। मैंने फैट है, अरे फैट एनिमल फैट लिखा हुआ है, फैटी एसिड भी तो लिखा हुआ है, सारी चीजें तो प्रॉपर है। एनिमल फैट कहाँ लिखा है? अच्छा ये है ना, तो एनिमल फैट हो गया और वेजिटेबल ऑयल भी तो लिखा हुआ है। सर कौन सा? वो वेजिटेबल भाई, सरसों वेजिटेबल ही तो है, मस्टर्ड वेजिटेबल। कौन से साबुन में डलता है? अरे हर एक साबुन में, मैं बता तो रहा हूँ। तो अब आप ये देखिए, आपका जो मन करे, कैस्टर ऑयल चाहिए, सनफ्लावर ऑयल चाहिए, या पीनट ऑयल चाहिए, या फिर मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल ले लो, इनफैक्ट कोकोनट ऑयल भी ले लो चलेगा, सीड ऑयल वो भी चलेगा, ठीक है, कोई भी आप ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल भी चलेगा, सारे सारे ऑयल चलेंगे बनाने में। कहाँ चलेंगे? हंसने का तरीका अच्छा, मुँह छुपा कर ऐसे। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड तो वेजिटेबल ऑयल लाइक कास्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिनसीड ऑयल और सोयाबीन ऑयल, ये जितने भी ऑयल हैं जिसमें कचौरियाँ वगैरह बनाई जाती हैं, सब्जियाँ बनाई जाती हैं, वही सारे ऑयल्स। इसीलिए साबुन जो है आज से लगभग 30-35-40 साल पहले, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो तब लोग घरों में भी बना लेते थे, आज भी कुछ लोग बना लेते हैं, ठीक है। और सोप बनाने की जो इंडस्ट्री होती है वो कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी कि घरों में बनाया जा सकता है। तो उसमें हमने ये ऑयल ले लिया, ऑयल के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑथोराइज्ड जो एक फार्मासिस्ट होता है उसी को, लाइसेंस जिसके पास होता है उस चीज़ का, उसी को मिलता है, क्योंकि डेंजरस होता है, ठीक है ना, कास्टिक सोडा डेंजरस होता है। उसके बाद थर्ड है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक, टाटा का नमक, कॉमन सॉल्ट कहीं पर भी मिलता है। हाँ जी, हाँ तो बनाकर दिखाया होगा ना, क्योंकि स्कूल में जो लैब असिस्टेंट है वो फार्मासिस्ट है, उसको लाइसेंस है, ऐसे ही नहीं किसी को कि आप मेरे स्कूल में लैब असिस्टेंट का काम करेगा आ जाए, ऐसे ही नहीं है, तो वो उनको मिलता है ना, स्कूल को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्कूल वालों को मिल जाता है, ऐसे नहीं मिलता। प्रोसीजर देखो बड़ा आसान, एक अबाउट 20 ml ऑफ कास्टर ऑयल इन अ बीकर, कास्टर ऑयल ले लिया एक बीकर में, बीकर में ऑयल ले लिया 20 ml, उसमें 30 ml ले लिया 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपने 20% फॉर्म में होना चाहिए, 20% फॉर्म का मतलब ये बाकी का जो 80% पोर्शन है उसमें पानी मिला हुआ होना चाहिए, वो ले लिया। उसके बाद आपने क्या करा, इन दोनों को मिक्स करा और मिक्स करके उसको स्टिर करते रहे, करते रहे, करते रहे, और गर्म करते रहे, साथ साथ गर्म करते रहे और स्टिर करते रहे, विद हीट द मिक्सचर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग टिल अ पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म। तो उसको करते रहेंगे करते रहेंगे, तो जैसे हलवा बनाते हैं और वो शुरुआत में बिल्कुल ऐसा पतला पतला होता है, फिर घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सॉलिड हो जाता है। तो अब वो मम्मी जब हलवा बनाती है तो उनको आइडिया है कि भाई कितनी देर में इसको बंद कर देना है, तो उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद ठंडा होने का थोड़ा बहुत वेट कर फिर खा लिया, तो वही चीज़ें इसको खाया नहीं जाता बस। तो इसका जैसे पेस्ट बन जाता है, तो पेस्ट बनने के बाद में फिर क्या करते हैं कि उसमें लगभग 5-10 ग्राम कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, ठीक है, स्टिर द मिक्सचर वेल एंड अलाउ इट टू कूल, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर दो, और मिक्स करने के बाद में उसको ना एक बड़े से कंटेनर में फैला देते हैं, पूरा फैला दिया ताकि वो स्ट्रेट हो जाए ऊपर से, थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, ठंडा होने के बाद वो सूख जाता है, सूखने के बाद में उसको चाकू से काट देते हैं और फिर अलग अलग पैकेट्स में पैक करके साबुन तैयार। ये है बस।
ठीक है, तो वन सोप सेट्स इट कैन बी कट इन टू पीसेस कॉल्ड सोप बार्स। ये तरीका है, 10 से 15 मिनट का काम है बस, उससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है साबुन बनाने में, गर्म होना चाहिए। ठीक है, बनाकर देख सकते हो आराम से, बस कास्टिक सोडा लाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है पर मिल जाएगा, स्कूल से पूछ कर ले, स्कूल में से ले, चोरी करके लाओगे।